नमस्ते स्टूडेंट, मैं ऋषभ जैन आपका इंजीनियर्स वर्क यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने SFD BMD को पढ़ा था, ठीक है, तो इसी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो अपन हेडिंग डाल देते हैं बेटा, हमारा जो सब्जेक्ट है सबसे पहले वो जरूर हमें पता होना चाहिए कि हम किसको पढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा SFD BMD वाला, जो कि हमें आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम शेयर फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है, जीरो कहाँ पे शेयर फोर्स हो रहा है, और जहाँ जीरो शेयर फोर्स होता है वहीं पे हमें क्या मिलता है बेटा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है। और एक चीज और बताई थी कि बेंडिंग मोमेंट जहां पे साइन चेंज करता है वो पॉइंट कौन सा कहलाता है बेटा, मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टा फ्लेक्सर कहलाता है। जहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, साइन चेंज कैसे करता है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है उसका जो मान है वो क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर जाता है, प्लस से माइनस होता है उसमें। तो एक उस पॉइंट पे कहीं पे जीरो आएगा, कहीं पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, तो मैंने आपको जीरो भी कैलकुलेट करना था कि वो किस पॉइंट पे जाके, मेरी किस डिस्टेंस पे जाके, किस पॉइंट पे वो मेरा क्या हो रहा है बेटा, बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है, और वही पॉइंट मेरा क्या कहलाता है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टा फ्लेक्चर। आगे बेटा बात समझे। अब हमारा SFD BMD जो हमारा नॉर्मल लेवल के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको, जो आपसे कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं RSMS SBJEE में, वो मैंने आपको बता दिए सारे टाइप के, आपसे लोडिंग वोडिंग सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दिए। तो अब हमें आगे क्या पढ़ना है, बेंडिंग मोमेंट SFD BMD होगी, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को। किसको करेंगे, क्योंकि साथ में ही इसी के साथ हम स्लोप डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन के अंदर यदि मैं आपसे बात करूं तो उसके अंदर आपको बोला गया कि एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम बोले तो पता है हमें, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं हर दो तीन दिन में, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें एक एंड तो इमूवेबल हिंज सपोर्ट होता है और एक तरफ मूवेबल हिंज सपोर्ट होता है, तो ये कौन सी बीम होती है बेटा, आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होती। और एक और यदि मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूं तो एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, तो वो कौन सी होती है बेटा, मेरी कैंटिलीवर बीम होती है। तो अब इसी बीम पे हम जब लोड को अप्लाई करेंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे बेटा बात समझ, इन दोनों चीजों को, ठीक है। बट मैं स्लोप और डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेबल बनाना चाहता हूं, और वो टेबल किसकी है बेटा, वो टेबल है मेरे SFD और BMD की, कुछ जो फ्रेम है उनकी अपन टेबल बना लेते हैं, जिससे कि हमें डायरेक्ट रिजल्ट भी उनका पता होना चाहिए कि भैया इसकी वैल्यू की डायरेक्ट रिजल्ट ये है, इसकी वैल्यू की डायरेक्ट रिजल्ट ये है, इसके वैल्यू का डायरेक्ट रिजल्ट ये है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो उसको हम टेबल के अनुरूप भी एक बार याद कर लें तो हमें बेटर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और मैं आपको वो टेबल बना देता हूं, पहले SFD BMD की, आपको SFD BMD वाले चैप्टर में, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर में ही पढ़ना है, देन फिर अपन आज के ही लेक्चर में अपन किसको स्टार्ट कर देंगे बेटा, स्लोप और रिफ्लेक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको आपके रजिस्टर को 2 से 3, 4 में डिवाइड कर देना है। देखो पहला जो होगा आपका बीम एंड लोडिंग टाइप, ठीक है बेटा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका शेयर फोर्स की वैल्यू, ठीक है। इसको ज्यादा बड़ा मत करो, क्योंकि वैल्यू तो छोटी सी होगी, तो यहां पे लिख लेते हैं शेयर फोर्स वैल्यू, ठीक। यहां पे क्या बनाएंगे हम, आपको रजिस्टर को डिवाइड करते हुए चलना है, यहां पे हम क्या बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम SFD, क्या बनाएंगे बेटा, हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। इसके बाद बात करता हूं मैं किसकी, नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग
वैल्यू। किसकी बात करता हूँ बेटा मैं? बेंडिंग मोमेंट वैल्यू की। और लास्ट यहाँ पे क्या बनेगा बेटा मेरा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बनेगा बेटा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एक बार आप क्या करें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? स्क्रीनशॉट नहीं, ये आप एक बार पहले इस टेबल को बना लें, देन फिर मैं वन बाय वन अपन एक एक बीम को लेते जाएंगे और उसके एस एफ डी बी एम डी को हम ड्रॉ करेंगे और उसकी वैल्यू को भी हम साथ में लेंगे। इम्पोर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इस टेबल से एक क्वेश्चन आपसे वो जरूर पूछेगा। डिप्लोमा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और बीटेक वालों के लिए तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो आपको तो ये पता होना ही चाहिए, ठीक है? तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। चलो ठीक है, पहला अपन फर्स्ट लेते हैं कि भैया अपन ने स्टार्ट किया था पहले फर्स्ट स्टेप की थी बीम। कैसी हो बेटा? कि जिसका एक एंड तो फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, तो भैया कौन सी बीम है? कैंटिलीवर बीम है। बताना पड़ेगा क्या? नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है? लोड अप्लाई किया कितना? W किलो न्यूटन का। और ये लेंथ कितनी बेटा मेरी? L है, ठीक है? अब इसके शेयर फोर्स की मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालेंगे। ऑब्वियस ये याद जरूर रखना कि मैक्सिमम वैल्यू ही निकाल रहे हैं हम। कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा? मैक्सिमम। आपसे पूछेगा कि भैया एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है, और वो यदि उसके फ्री एंड पे यदि पॉइंट फोर्स अप्लाई होता है तो बताओ भैया उसके बेंडिंग मोमेंट, उसके मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है, इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी वो निकाली थी प्लस के माइ डब्ल्यू की, और यहाँ पे यूनिट मैं ऊपर लिख देता हूँ क्या होती है शेयर फोर्स की? किलोमीटर होती है। ये बात मेरी क्लियर होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि भैया इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो मैंने आपको डायग्राम भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ये टेबल तो आपको वैसे बनानी चाहिए थी लेकिन फिर भी मैं आपको बना दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी एक टेबल बना लो ऐसी की ऐसी, पहले देख के जो पुराने वाले क्वेश्चन आपने जितने भी किए उसके अंदर के आप सारे एक एक क्वेश्चन को देख के आप इनकी टेबल को बनाना आनी चाहिए आपको, ठीक है? तो डब्ल्यू और इधर क्या होगा बेटा आपका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस टाइप से आपका डायग्राम, और सारी सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ठीक है? ये आपका शेयर फोर्स है। अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस के डब्ल्यू एल होती है, ये चीज भी हमने पढ़ी थी, माइनस के डब्ल्यू एल होती है। और यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यूनिट मैंने ऊपर लिख दी है बेंडिंग मोमेंट की। आगे बेटा बात समझ में, एक और चीज बात करते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। माइनस में इंक्लाइन बनेगा, तो ये आपका बेटा तो ये पहली चीज मैंने कंप्लीट कर ली है। आपसे इन चारों में से कोई भी चीज पूछे आपको इसका आंसर देना आना चाहिए। दूसरा कैंटिलीवरी बीम लिए और यहां पे मैंने किसको अप्लाई किया है? यूडीएल लोड को अप्लाई किया, और लोड कितना लग रहा है? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का। यूडीएल लोड तो पर मीटर में था और लेंथ मेरी बेटा एल। अब इसके शेयर फोर्स की वैल्यू की बात करें तो शेयर फोर्स कितना आता है बेटा? पॉजिटिव में डब्ल्यू एल आता है, ठीक है? और इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, सब बताया हुआ है प्रीवियस ईयर के प्रीवियस लेक्चर को आप देखो, वहाँ पे आपको पुराने लेक्चर देखो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे ये वैल्यू निकाली थी। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा और वैल्यू को सारी पॉजिटिव आती है, लाइन के ऊपर पॉजिटिव, लाइन के जस्ट नीचे यदि बनता है तो वो कौन सा होता है बेटा? हमारा नेगेटिव होता है। तो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आई और इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। और इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है? पैराबोलिक। कैसा बनता है बेटा? पैराबोलिक। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लें, इन दोनों को एक और लिख दो यहाँ पे, आ जाएगा नजर, आ जाएगा वैसे। थर्ड वन बात करते हैं, यदि मेरी बीम क्या हो, कैसे लेते हैं इसको? ये बना दी हमने ए पॉइंट बी पॉइंट और यहाँ पे लोड ला दे W तो इसका जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा? W बाई टू। कितनी वैल्यू आती है बेटा? W बाई टू। और इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है? ये चीज। और इसका जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो बेटा कितनी आएगी? देखो इसके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? डब्ल्यू एल बाई फोर। कितनी होती है? प्लस के डब्ल्यू एल बाई फोर। मैंने आपसे बोलता बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है। और इस टाइप का डायग्राम बनाया कुछ इस टाइप से,
तो आप पहले इन तीनों को नोट डाउन कर ले, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और आगे के क्वेश्चन भी हम करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर यूडीएल लोड बीम है, डब्ल्यू किलोमीटर पर और लेंथ है मेरा, ये मेरा 1 मिनट है। क्या वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू होती है? डब्ल्यू एल बाई टू पता है तो हमें, और डायग्राम कैसे बनता है इसका कुछ इस टाइप से, डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक, पैराबोलिक मतलब पॉजिटिव डब्ल्यू किलो होता है, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, सॉरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो आती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, और जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, स्क्वायर बाई एट। तो ये आपकी चार चीज तो मैंने आपको बना के बता दी, जिसमें दो तो कैंटिलीवर का बताया और दो मैंने आपको किसका बताया बेटा, सिंपली सपोर्ट का। अब ऐसे ही आप आगे भी करते चले जाइए। कैसे करना है आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि यूडीएल लोड है वो हाफ तक लग रहा है, यूडीएल लोड एंड पॉइंट पे लग रहा है, यूडीएल हमारे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लग रहा है, तो क्या डिफरेंस आएगा उसको आप बता सकते हो। वो दो चीज़ें और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ओरेंग बीम के रिजल्ट बताए, कपल के रिजल्ट बताए, यूवीएल के बताए, तो उनको भी आप क्या करें कंटिन्यूसली इस टेबल के साथ साथ लिखते चले जाइए, ठीक है बेटा। तो जिससे कि आपका पूरे पूरे एक फॉर्मूला टेबल तैयार हो जाएगी और हमें फाइनली और कुछ भी याद नहीं हो तो हमें ये इनके फाइनल रिजल्ट तो आपको याद रख के ही जाने हैं, स्पेशली डिप्लोमा वालों के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि आपसे डायरेक्ट वो रिजल्ट ही पूछेगा आपसे कि भैया इसका रिजल्ट आप बता दो, आपसे और कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, आपसे तो बस डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा कि भैया आप बताओ कि यदि यदि सिंपली सपोर्टेड बीम और यदि उसके ऊपर यूडीएल लोड लग रहा है तो उसके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है। और जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट होती है, डायग्राम पैराबोलिक बनता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आती, तो वो इसको एकदम करेक्ट करके आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आपको क्या बताऊंगा बेटा, एक दो कंडीशन मुझे बतानी है आपको, यूडीएल लोड की है ना, और एक पॉइंट लोड की बतानी है, वो बता के फिर देन में फिर किसको स्टार्ट करूंगा बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन को स्टार्ट करूंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करेंगे। अब हमें क्या करना है, कुछ एस एफ डी बी एम डी के और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपके सारे डाउट और क्लियर हो जाए। तो देखो एक क्वेश्चन लगता है और आप इसको खुद आप भी सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है मेरी एक, ये कौन सी बीम है? ये मेरी एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको डायरेक्ट उसके टेबल के अंदर आप इंक्लूड कर सको, उसके अंदर टेबल के अंदर आप ये फाइनल रिजल्ट लिख लो सको, इसलिए मैं आपको ये दो से तीन तीन क्वेश्चन और है जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, और उसको भी आपको आपके टेबल में लिखना है, साथ में यूवीएल वाले जो भी मैंने फाइनल रिजल्ट आपको बताया, और जो कपल वाला जो मैंने आपको एक बार तो कैंटिलीवर के एंड पे कपल लगाया था और एक बार सिंपली सपोर्टेड के सेंटर पे लगाया था, उसके भी आपको फाइनल रिजल्ट तो आपको आपकी टेबल बनानी है, याद रहे, ठीक है। अब देखो इस बार जो लोड आ रहा है वो यहाँ पर, W है, ये डिस्टेंस होगी मेरी A और ये है मेरी L माइनस A, L माइनस A, ठीक। और टोटल लेंथ कितनी बेटा मेरी? L है, तो L में से A या तो L माइनस A वाली डिस्टेंस आई है। ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है और ये मेरा A पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा इसके जस्ट नीचे और यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ इसको। देखो सबसे पहले शेयर फोर्स वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं? शेयर फोर्स वैल्यू निकालते हैं, कौन सी वैल्यू निकालते हैं? शेयर फोर्स वैल्यू। अब मैंने आपको क्या बोला था कि भैया यहाँ पे क्या आपको रिएक्शन फोर्स निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्री एंड अवेलेबल है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो देखो इसके अंदर हम कैसे करते हैं कि भैया शेयर फोर्स में एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स का सम किया जाता है। किसका सम किया जाता है? फोर्स का सम करते हैं, फोर्स को हम जोड़ते हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखो फोर्स को यदि आपको जोड़ना है
तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? देखो बी पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या? नहीं है, तो भैया बी पे तो हमारा जीरो होगा, कोई फोर्स है ही नहीं तो जीरो। फिर उसके बाद किस पे आया बेटा? सी पे आए, एच सी पे। अब देखो एच सी पे तो एक मेरा फोर्स आ रहा है डब्ल्यू, पर आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये पॉजिटिव में लिया है या नेगेटिव में? तो मैंने आपको बताया था कि भैया एक साइड से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड इधर से लें तो इधर से लें राइट हैंड, तो भैया इधर से हमारा ऊपर से नीचे आने वाला यदि पॉजिटिव है तो इस तरफ से हमारा नीचे से ऊपर आने वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। दूसरी चीज़ क्या बताई थी, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट और राइट, और इधर से यदि मेरा ऐसा है तो ये देख लो भैया, ये मेरा कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। तो देखो यदि मैं राइट हैंड ये तरफ से चल रहा हूँ, मतलब राइट हैंड तरफ से चल रहा हूँ, और यदि मेरा फोर्स ऊपर से नीचे आ रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा, तो मैं किस में लूँगा? पॉजिटिव में। तो मैंने पॉजिटिव में ले लिया इसे। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है। इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो एक बार नोट डाउन कर ले, देन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, डब्ल्यू आ गया, बी पे ए पे जाते हैं, एस ए पे देखो। तो देखो बेटा ए से पे कोई और फोर्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी बेटा? W किलो न्यूटन ही आएगी, आएगी। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। मैंने क्या बोला था, बीम के जस्ट नीचे ही आपको सारे डायग्राम आपके बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लाइन दी थी, ठीक है। अब देखो आपको बी पे कितनी वैल्यू मिली है? जीरो। लाइन से ऊपर पॉजिटिव और लाइन के नीचे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपको मिली है डब्ल्यू, कहाँ मिली है? डब्ल्यू। और फिर उसके बाद भी कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते डब्ल्यू ही रही है, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह आपकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव, और ये मेरा ए, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी बेटा मेरी? ए है, और ये कितनी मेरी बेटा? एल माइनस ए है, और ये कितनी बेटा मेरी टोटल एल डिस्टेंस है। ये आपका हुआ शेयर फोर्स वैल्यू। कौन सी वैल्यू हुई बेटा आपकी? शेयर फोर्स वैल्यू का शेयर फोर्स डायग्राम है। कोई दिक्कत हो तो बताओ उसके अंदर, नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा हम? बेंडिंग मोमेंट की। किसकी बात करते हैं? बेंडिंग मोमेंट की। तो अपन लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू की। तो देखो बेंडिंग मोमेंट वैल्यू के अंदर क्या है कि यदि मुझे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू को यदि फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या क्या चीजें, वो मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि बी पॉइंट पर कोई मोमेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कोई लोड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो मोमेंट कहाँ से हो? बिना लोड की कोई मोमेंट निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। एम बी के बाद किस पे आए? एम सी पे। तो भैया लोड तो आ रहा है मेरा डब्ल्यू, कितना आ रहा है बेटा? डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। और इसको नेगेटिव में लेते, मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड से नेगेटिव लेते, तो डब्ल्यू हो गया है, ठीक है। अभी कोई डिस्टेंस चला क्या? नहीं चला, तो भैया यहाँ पे तो जीरो, अभी तो लगा ही है तो कोई डिस्टेंस हुई नहीं। और एम बी की बात एम ए पे निकालते हैं, तो ए पे कितना होगा बेटा? W इंटू में एल हो जाएगा, माइनस बी किलो न्यूटन, चूंकि W इंटू ए थोड़ी होगा, टोटल डिस्टेंस तक थोड़ी है, कितनी डिस्टेंस तक है? ए डिस्टेंस तक है, तो आपने ए कर दिया W इंटू किलो न्यूटन। तो ये आपके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, और बेंडिंग मोमेंट की कितनी वैल्यू होगी बेटा? W A, कितनी होगी? W A। इसको आप भले इतना बड़ा ना करते हैं, डॉट से बता दें, W इंटू A आपकी वैल्यू। अब इसका डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां से सी पॉइंट से अपन को वैल्यू मिलना प्राप्त तो हुई है, और वो वैल्यू कितनी मिली है बेटा मुझे? डब्ल्यू ए। तो ये वैल्यू मिली डब्ल्यू डब्ल्यू ए माइनस की। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, और ये मेरा बी पॉइंट है। यहां से ज्यादा की लेंथ कितनी है? ए है, और ये लेंथ कितनी बेटा मेरी? एल माइनस ए है। आगे बेटा आसन, और वैल्यू मुझे नेगेटिव की मिली है। कौन सी वैल्यू मिली है बेटा मुझे? नेगेटिव की वैल्यू मिली है। तो ये है आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। इसको आप एक बार नोट डाउन कर ले, करें इरेज़ से। चलो इरेज़ कर।
और कंडीशन आप लिख सकते हो कि कौन सी कंडीशन की, कि जब लोड इंटरमीडिएट पॉइंट पर आए, इंटरमीडिएट आए पर इंटरमीडिएट सेंटर पे नहीं, मतलब इससे कुछ इसेंट्रिसिटी पे है वो, पर एंड पॉइंट पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेते हैं। तो यदि मेरा क्वेश्चन इस बार ऐसा आ जाए कि वापस से कैंटिलीवर, और आप आपकी टेबल में वहां पे मना लेना इन सब चीजों को, है ना, इस बार ये है मेरा ए और ये है मेरा टोटल, यदि लेंथ एल है तो ये कितना होगा एल माइनस ए, ये मेरा पॉइंट है सी, ये मेरा पॉइंट है बी और ये मेरा पॉइंट है ए, ठीक है, आगे बैठा बस। और यहाँ पे लोड लग रहा है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर, ठीक है, डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर का आपका लोड लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बाय सेपरेट कर दिया, ठीक। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे सोल्व, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, ए बी सी, ए सी बी, ठीक है, बात की जाती है आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं शेयर फोर्स वैल्यू, कौन से वैल्यू निकालते हैं बेटा, हम शेयर फोर्स वैल्यू। मैंने आपसे एक बात जरूर बोली है, और वो बात क्या बोली है, वो बात मैंने आपसे बोली थी कि आप हमेशा पहले देखेंगे कि यदि बीम मेरी कैंटिलीवर है तो वहां पे तो मेरी एक्शन फोर्स निकाल ली, नहीं तो यहाँ पे हमें फ्री एंड अवेलेबल रहता है तो हम नहीं निकाले यहाँ पे, तो ठीक है। बी पॉइंट पे निकालता हूँ यदि मैं शेयर फोर्स की वैल्यू, तो कितनी होगी बेटा, यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो। बी से मैं किस पे आता हूँ बेटा, सी पॉइंट पे आता हूँ, तो सी पॉइंट पे यदि मैं देखूँ तो सी पॉइंट पे लोड कितना आ रहा है बेटा मेरा, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का, कितना आ रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का। लेकिन अभी कोई डिस्टेंस हो रही क्या, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है पर मीटर पे लगता है, तो अभी तो कोई मीटर है क्या, एक मीटर चल गया, पॉइंट वन मीटर भी नहीं चला, अभी तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो पॉइंट पे तो लगना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे तो निकाल सकते हैं। ए पे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, W इंटू ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको पर मीटर को उठाना और यूनिट क्या होगी किलो न्यूटन, ठीक है, क्योंकि यूडीएल में तो अपन डिस्टेंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं शेयर फोर्स के अंदर, क्योंकि हमें किलो न्यूटन में लाना है, तो हमने क्या किया कि W किलो न्यूटन का लोड पर मीटर की डिस्टेंस लग रहा है, और पर मीटर तो आपने मल्टीप्लाई किया और वो मीटर कितना बेटा मेरा ए, तो टोटल लोड मेरा आ गया कितना बेटा, टोटल शेयर फोर्स आ गया मेरा W इंटू ए, W ए भी बोल देना, और यहाँ पे प्लस का साइन है पॉजिटिव में आएगा, और यहाँ पे डॉट से बता दो मीटर रहेगा, डब्ल्यू ए आपके पे। तो डायग्राम बनाते बेटा इसका, देखो यहाँ पे बात करते हैं, पहले कितनी वैल्यू मिली है बेटा जीरो, और फिर भी जीरो ही, तो दोनों पॉइंट पे तो जीरो है, यहाँ से यहाँ तक जीरो, ये सी पॉइंट पे आ गया। अब सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक जो आपको मिली है वैल्यू वो कितनी मिली है, और ये मिली आपको पॉजिटिव की वैल्यू मिली है, कितनी वैल्यू मिली है पॉजिटिव की, डब्ल्यू टू में, ठीक है, ये डिस्टेंस है मेरी ए और ये है मेरी एल माइनस ए, और टोटल लेंथ कितनी बेटा मेरी एल, टोटल लेंथ कितनी मेरी एल, और पॉजिटिव का डायग्राम, ठीक है। अब क्या निकालते हैं बेटा, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले किस पे निकालेंगे, एम बी पे, तो यहाँ पे तो लोड है नहीं तो जीरो, एम सी पे तो भैया लोड तो आ रहा है मेरा डब्ल्यू इंटू में, डिस्टेंस अभी जीरो कुछ भी नहीं है तो यहाँ तो जीरो ही है, और एम ए पे निकालें तो कितना, मैंने आपसे बोलता कि यूडीएल लोड में पहले पूरी डिस्टेंस पे पूरी का आधी डिस्टेंस, तो कितना हो जाए डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू, तो बना दे इसका डायग्राम, बहुत बढ़िया, यहाँ तक जीरो है, यहाँ से इसकी वैल्यू भी आएगी, ठीक है, और ये बन गया डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू वैल्यू नेगेटिव, ए पॉइंट सी पॉइंट बी पॉइंट, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसका, फिर लास्ट जो हमारा एक और बच रहा है थर्ड वाला, वो कंडीशन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बेटा, एक और जो हमें कंडीशन पढ़नी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट कंडीशन,
नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं अपन। इस बार देखो यूडीएल लोड कहां पे अप्लाई होगा, और ये डिस्टेंस है और टोटल है ठीक है। अब देखो इसके अंदर कैसे होगा, कंडीशन समझते हैं इसकी। ठीक है यहाँ पे मेरा इसको मैंने डिवाइड कर दिया, क्या निकालना है शेयर फोर्स की वैल्यू। देखो शेयर फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है बी पॉइंट पे, तो डब्ल्यू पर अभी डिस्टेंस जीरो है, एम सी पे यदि निकालेंगे तो डब्ल्यू वाला कितनी एल माइनस ए तक तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ये तो टोटल लोड यहाँ तक तो आ जाएगा मेरा, और यूनिट क्या होगी किलोन्यूटन इंटू मीटर, किलोन्यूटन ओनली फॉर, और एम सी के बाद एम ए पे कितना होगा बेटा मेरा वही, कोई और लोड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, और यू डी एल भी मेरा यहीं तक लग रहा है, तो आपकी ये वैल्यू ये होगी, तो आपकी ये शेयर फोर्स की वैल्यू आएगी 3.823। डायग्राम बना देते हैं इसका, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए दिक्कत, बहुत आसान चीज़ है बेटा ये तो। ठीक है बता दिए मैंने आपको इतने सारे, ये मेरा ये ना यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो इतनी आएगी, देन फिर ये कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ती जाए, और यहाँ जो वैल्यू मिलेगा डब्ल्यू इन टू में एल माइनस ए, ये मेरा बी पॉइंट है सॉरी ए पॉइंट है, तो मेरा ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा पॉजिटिव की वैल्यू, कोई दिक्कत है असेंबली में नहीं होनी चाहिए। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अपन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू। तो देखो बेंडिंग मोमेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो बी पॉइंट पे तो यदि लोड है, यदि मेरा डब्ल्यू आ भी रहा है पर डिस्टेंस जीरो है तो यहाँ पे तो जीरो, एम सी पे निकालते तो कितना हुआ डब्ल्यू इंटू में एल माइनस ए इंटू में एल माइनस एक डिवाइड बाई टू, ये वैल्यू होगी, और एम ए पे कितना होगा डब्ल्यू इंटू में एल माइनस ए, तो टोटल, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा मेरा यहाँ पे हम एल माइनस ए डिवाइड बाय टू, ठीक है ये डिस्टेंस है प्लस में ए डिस्टेंस और हम ले लेंगे, टोटल ये होगी क्योंकि इसका तो आधा लेना है और इसका पूरा पूरा लेना है, तो ये होगा, तो ये आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और आप इसको कैसे बनाओगे डायग्राम देखो बेटा, इसका यहाँ से ऐसे चला फिर कंटिन्यूसली ऐसे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली W इंटू में L माइनस ए का स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली वो कितनी मिली W इंटू में L माइनस ए का भिन्न, और फिर बड़े क्वेश्चन में आप L माइनस ए प्लस ए, ये आपको वैल्यू मिली इसकी पेंडिंग। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा मैंने आपको तीनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें देन फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है अब ये हमारा एसएफडी बीएमडी अब तक का अपना कंप्लीट हो गया है, अब हमें आज ही के लेक्चर में ऐसा करते हैं इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ते हैं, जो हमारा एसएफडी बीएमडी तो हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर दिया, लेकिन अपन जो शुरुआत करेंगे नए लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा स्लोप और डिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, हर चीज़ को हर कंडीशन बता दे, जो टेबल बनाने लायक है मैंने आपको बता दे किस अकॉर्डिंग आपको टेबल बनानी मैंने बता भी दी, आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट करें, यदि फिर यदि कोई डाउट आता है आपको तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको फिर वापस से पूरी की पूरी टेबल एक बार बनवा दूंगा, ठीक है बेटा, और ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। ठीक है अब कल से हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, कल से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।